बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत ही प्लेजेंट शख्सियत हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। तो जो उनकी शख्सियत एक आर्टिस्टिक है, वैसे ही उनके क्रिएशंस आर्टिस्टिक हैं। बहुत सालों के बाद उन्होंने मुझे इस फैशन शो में बुलाया, तो मैंने कहा कि भाई आप बहुत गलत आदमी को बुला रहे हैं, आप दुल्हनों के लिए कपड़े सीते हैं, कपड़े बनाते हैं और मैं कपड़े फाड़ता हूँ। कवलजीत मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, ऑलमोस्ट लाइक पिछले 12 सालों से, ऑलमोस्ट 1 डेकेड से मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। सो आई एम जस्ट वॉकिंग द रैंप एट द शो स्टॉपर फॉर हिम। कवलजीत जी के लिए फैशन शो हो रहा है और उनके बनाए हुए कपड़े हम पहन के चलने वाले हैं, जैसा कि हमेशा फैशन शोज में होता है। तो हमारे डिजाइनर हैं, जो पहनने को देंगे हम पहन लेंगे। मैंने क्रिश्चियन वेडिंग गाउन पहना है विद प्रॉपर वेल और प्रॉपर क्रिश्चियन वेडिंग की तरह, जो आई थिंक मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं पहना। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, क्योंकि हर लड़की का एक सपना होता है कि वो एक क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस एक ना एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर पहने। आई थिंक मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद है, वन पीस ड्रेसेस, नी लेंथ बहुत, आई एम नॉट सो, मुझे जीन्स इतनी पसंद नहीं है, बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ड्रेसेस। आई थिंक अगर कोई आपका काम पसंद करता है, अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है अपने काम के लिए, तो आपको अच्छा ही लगता है। आजकल थिंकिंग इतनी ब्रॉड माइंडेड हो गई है कि यू नो सबके, इवन हमारी मॉम्स, मदर इन लॉ, सब बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं। तो आई डोंट थिंक कि कम कपड़े पहनना कोई गलत बात है और यू नो इट्स अ बैड टेस्ट। आई थिंक जो भी फैशनेबल हो एंड अगर आप अच्छे से उसे कैरी कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट, यू शुड गो फॉर इट। जो लोग फैशन करते हैं, मुझे उन पे कोई एतराज़ नहीं है, करना चाहिए। वक्त के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए। नए बच्चे जो आते हैं, नई पीढ़ी आती है, वो नए फैशन अपनाती है। सबसे फैशनेबल पर्सनैलिटी आई थिंक कंगना, आई रियली लाइक हर, बहुत अच्छी तरह अपने आप को कैरी करती हैं और आई एम श्योर शी इज द मोस्ट फैशनेबल मेल। आई फील इट्स सलमान खान।